सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल राइडर अड्डा पर। दोस्तों आज एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनने वाला है, क्योंकि मैं पूरे के पूरे अपने अरुणाचल, मेघालय और असम की राइड को समराइज करूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप 10 दिनों में अरुणाचल के जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, जो खास खास जगह हैं जिनको एक्सप्लोर करना चाहिए आपको अरुणाचल में, असम में और मेघालय में, कैसे कर सकते हैं। तो ये 10 दिन की इटिनरी जो है बहुत आपके काम आने वाली, इसको फॉलो करेंगे तो आपका जो राइड होगा वो बिल्कुल स्मूथ होगा और आप मैक्सिमम चीज़ों को सीमलेस तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको नॉर्थ की राइड करनी है तो जो इंडिया का नॉर्थ का गेटवे है जिसको गुवाहाटी को बोला जाता है, वहाँ आपको पहुँचना पड़ेगा। अब आप वहाँ पहुँचने के लिए या तो अगर आप नज़दीक हैं तो आप डायरेक्ट जो है वो बाई रोड वहाँ पे पहुँच सकते हैं अपनी बाइक से, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका डिस्टेंस ज़्यादा है तो अपनी बाइक को आप ट्रेन से पार्सल कर दो और आप खुद ट्रेन से आ जाओ, या फिर आप फ्लाइट से आ जाओ, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ की एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है तो आप जो है डायरेक्ट जो है एयर से वहाँ जाओ, फ्लाइट से वहाँ जाओ और फिर आप वहाँ रेंटल जो है वो बाइक ले लो। बहुत सारी आप वहाँ पर रेंटल बाइक मिल जाएंगी। तो जो भी तरीका आपके लिए सूटेबल वो आप फॉलो कर सकते हैं। डे वन में अगर बात किया जाए तो क्या आपको एक्सप्लोर करना है, तो डे वन में आपको वहाँ पे कामाख्या टेम्पल एक्सप्लोर करना है। काफ़ी भीड़ होती है तो आप कोशिश करिए कि अर्ली मॉर्निंग आप कामाख्या टेम्पल के लिए निकलिए। एक चीज़ आपको बता दूँ कि नॉर्थ में जो मॉर्निंग होती है वो बहुत जल्दी होती है। बोला जाता है कि जो सूरज होते हैं वो सबसे पहले जो है वो नॉर्थ में निकलते हैं, तो आपको 3 से 4 बजे के बीच में ही वहाँ पे उजाला हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा अपना जो शेड्यूल है वो एडजस्ट करना पड़ेगा कि मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना है और इवनिंग में आपको जल्दी सोना है, कुछ इस तरह का आपको बनाना पड़ेगा। तो आप कामाख्या टेम्पल जाएंगे, वहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप जल्दी से जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो आप स्पेशल टिकट लेके जो 501 रुपये का आप दर्शन कर सकते हैं, और उसके बाद आप जाइए उमानंदा टेम्पल के दर्शन करिए और ब्रह्मपुत्र रिवर, खूबसूरत ब्रह्मपुत्र रिवर का भी आप दर्शन कर सकते हैं, उनका कोस्ट जो है वो देख सकते हैं। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये जब बांग्लादेश में जाते हैं तो इसी रिवर का नाम हो जाता है जमुना रिवर, नॉट यमुना रिवर, इट्स जमुना रिवर। इसके अलावा अगर आप कुछ अपने बाइक से रिलेटेड कुछ काम करवाना चाहते हैं या अपने राइडिंग से रिलेटेड कुछ सामान परचेज करना चाहते हैं तो असम ट्रैंक रोड पर आप जाकर जो भी आपको परचेज है, जो भी रिपेयर करना है या जो भी लगेज लेना है वो ले सकते हैं। बहुत भीड़भाड़ वाला मार्केट होता है ये। तो इस तरह आपका डे वन जो है आप गुवाहाटी में बिताइए। और अब आते हैं डे टू पर। दोस्तों डे टू पे हमको गुवाहाटी से धीरांग जाना है। 300 किलोमीटर की ये राइड है। रोड आपको स्मूथ मिलने वाला है, रास्ते में लगभग 10-15 किलोमीटर का रोड थोड़ा सा ख़राब मिलेगा और आपको जाना है भैरवकुंडा के रास्ते। जैसे आप भैरवकुंडा पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको भूटान का एंट्री गेट मिलेगा, तो आप थोड़ा सा भूटान में भी एंट्री कर सकते हैं। अपनी बाइक का डिटेल लिखवा के, अपना नोट करवा कर, एक आधार कार्ड या वोटर कार्ड दिखा के आप भूटान में एंट्री कर सकते हैं और वहाँ पे घूम सकते हैं। जैसे एक भोले बाबा का टेम्पल है वहाँ तक आप जा सकते हैं, एक हैंगिंग जो है वो ब्रिज है वहाँ तक आप घूम सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी डिटेल खास देने की ज़रूरत नहीं होगी। जो भूटान है वहाँ पर जो पेट्रोल का प्राइस है वो इंडिया से 6 से 7 रुपये जो है वो सस्ते पड़ते हैं, तो आप चाहें तो फ्यूल का भी वहाँ से ला सकते हैं या बाइक ले जाके फ्यूल जो है अपना फिल करवा सकते हैं। तो भैरवकुंडा के बाद आप कलकतांग आइए और कलकतांग से आप पहुँच जाइए धीरांग। धीरांग में जब आप पहुँचिए तो रात में ही आपको क्या करना है कि जो प्लास्टिक की मोटी वाली जो रोप है वो ख़रीद के रख लेना है, और अगर पेट्रोल पंप खुला है रात में ही अपनी गाड़ी का जो पेट्रोल है वो फुल करवा लेना है, मॉर्निंग का वेट नहीं करना। ये दो काम जरूर करवा लीजिए आप धीरांग में पहुँचने का, और धीरांग में आप स्टे करिए। अब आते हैं डे थ्री पे। डे थ्री इस जर्नी की सबसे टफ जर्नी होने वाली है और सबसे एडवेंचरस जर्नी होने वाली है, क्योंकि डे थ्री में हम लोग धीरांग से जाएंगे तवांग। 142 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, और कोशिश करिए कि आप अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी आपकी कैपेसिटी हो जगने की, 3 बजे कैपेसिटी हो तो 3 बजे जग जाओ, अर्ली मॉर्निंग जगो ताकि आप 4 बजे के आसपास जो है होटल से चेकआउट कर जाओ, क्योंकि आज का जो ट्रिप है वो सेला पास से होता हुआ जाएगा। सेला पास जो है 13,700 फीट की हाइट पे है, और अगर आप विंटर पे जा रहे हैं तो ये बहुत ही टफ होता है क्रॉस करने का, क्योंकि सेला पास से लगभग 12-14 किलोमीटर पहले और वहाँ क्रॉस करने के 12-14 किलोमीटर बाद तक का जो रास्ता है वो बहुत ख़राब होने वाले हैं। शार्प टर्न होगा और पूरे के पूरे स्नो से कवर्ड होगा रोड, तो ऐसे में बाइक बहुत तेज स्किड करती है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, बाइक के टायर में आपको रोप बांधना होगा।
पिछली बार टायर ज़्यादा स्किड करती है तो पिछली बार टायर पर रोप बांध के और स्लोली आप फर्स्ट गियर में चल रहे हैं तो आप डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। हम लोग का प्लान ये था कि भाई 140 किलोमीटर है, बहुत स्लो चलेंगे तब भी 8-9 घंटे में हम लोग कवर कर लेंगे, तो इसलिए हम लोग काफ़ी लेट से निकले थे। पहले से हम लोग को आइडिया नहीं था, 11 बजे के आसपास रोप और फ्यूल ये सब कराते कराते हम लोग निकले और लिटरली दोस्तों हम लोग तवांग तक नहीं पहुँच पाए। वर्स्ट राइड ही पूरा दिन हम लोग कैसे उस राइड को कवर किए हम ही लोग जान रहे हैं। और उसके बाद तवांग न पहुँच के हम लोग जो है जैंग में ही हम लोग को स्टे करना पड़ा रात में, जो कि लगभग 35 किलोमीटर पहले ही है तवांग, यानी उस पूरे दिन हम लोग केवल 105 किलोमीटर ही कवर कर पाए, बाकी डिस्टेंस हम लोग कवर नहीं कर पाए। तो इसलिए आप अर्ली मॉर्निंग 4 बजे निकलें ताकि आप 3-4 बजे जो है वो तवांग एंट्री कर जाएं। यहाँ पे विजिबिलिटी जब आप सेला पे जाते हो तो बहुत कम होती है और 2 बजे के बाद ही विजिबिलिटी कम होने लगती है, जैसे 3 बज जाएंगे तो लगेगा रात के 8-9 बजे हैं, तो इसके वजह से आपको अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलना पड़ेगा। और दोस्तों अब आते हैं डे फोर में आप तवांग पहुँच चुके हैं, आपको तवांग एक्सप्लोर करना है। तवांग जो है वो 10,000 फीट की हाइट पे है, यहाँ पे काफ़ी कुछ घूमने के लिए है, यहाँ का मार्केट आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस रहेगी सबसे पहले आप जाइए तवांग मॉनेस्ट्री, वहाँ पे जो गोम्पा है तवांग का वो देखिए, बुद्धा पार्क देखिए, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी हाइट पे बसा हुआ है। और आप वॉर मेमोरियल लास्ट में जाइए, क्योंकि लास्ट में जाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि 5 बजे से वहाँ पे चलता है लाइट एंड साउंड शो, तो 3 बजे के आसपास जाएंगे तो वॉर मेमोरियल घूमिए और उसके बाद आप लाइट और साउंड शो 50 रुपये देके देखने चले जाइए, जिसमें कैसे 1962 वॉर में इंडिया और चाइना जो इंडो साइनिक वॉर हुआ था उसमें कैसे इंडियन आर्मी ने जो है दिलेरी से चाइना आर्मी के साथ कैसे उन्होंने कॉम्बैट किया था और कैसे शहीद हुए थे और कैसे अपने अपने जो है पॉइंट को उन्होंने बचाया था, उसका पूरा डिटेल में आपको दिखाया जाएगा, जिससे आपका गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। तो वॉर मेमोरियल और वहाँ का लाइट एंड साउंड शो देखना मत भूलिए। और यहाँ की जो मॉनेस्ट्री है तवांग मॉनेस्ट्री, ये एशिया की लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री में से एक है, तो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, देखने लायक है। और जब आप वॉर मेमोरियल जाओगे तो वहाँ से तवांग मॉनेस्ट्री बहुत ही खूबसूरत दिखती है, क्योंकि हाइट पर पूरी की पूरी मॉनेस्ट्री वहाँ से दिखती है। तो इस तरह से आप डे फोर में तवांग को एक्सप्लोर करिए। अब आते हैं डे फाइव पे भी आपको जल्दी निकलना है, क्योंकि तवांग से 53 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद बुमला पास आपको कवर करना है। 15,200 फीट की हाइट है, मतलब सेला पास से काफ़ी ऊंचा है ये। और बुमला पास की रोड जो है उतनी चलती नहीं है, क्योंकि यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता तो है नहीं, टूरिस्ट जाते हैं बुमला पास कवर करके आ जाते हैं, तो ऐसे में यहाँ का जो स्नो का लेवल है वो सेला से कहीं ज़्यादा है और यहाँ पे रोड पे असिस्टेंस भी आपको कम मिलने वाला है। तो इसलिए आप जब तवांग में स्टे किए थे तो उसी समय अपने बाइक में जो भी आपको काम करवाना है वो करवा लीजिए, ताकि बुमला के रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आए। आपको आने जाने में 106 किलोमीटर कवर करने हैं बुमला आने जाने में, आपको पूरा का पूरा अपना गियर रेडी रखना है, रोप बांध के रखने हैं टायर में और सुबह से शाम पूरा का पूरा आपका दिन चला जाएगा बुमला कवर करने में, ये 106 किलोमीटर कवर करने में। लेकिन यकीन मानिए ये राइड बहुत ही एडवेंचरस होगी और बहुत ही आपको कॉन्शस तरीके से इस राइड को कवर करना होगा। तो इस तरह आपका डे फाइव खत्म होगा फुल एडवेंचर के साथ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका सांस फूलेगा। अगर आपको AMS की दिक्कत है तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऑक्सीजन का केन आप ले जाना न भूलें और अपने साथ डायमॉक्स भी रखें, ताकि कभी भी हेडेक हो तो आप डायमॉक्स जो है वो आप खा लें, जिससे आपको हेडेक में आपको आराम मिल जाएगा। और सबसे खास बात की आप हाइड्रेशन के लिए प्रॉपर अपना फैसिलिटी रखे रहें, पानी रखे रहें, खासकर गर्म पानी आप साथ में लेके चलें। अब आते हैं डे सिक्स में हम लोग को रिटर्न जर्नी शुरू होगी। हम लोग तवांग से बोमडिला आएंगे, 177 किलोमीटर है, पहले धिरांग आता है, धिरांग से फिर 30 किलोमीटर क्रॉस करेंगे तो बोमडिला आता है, क्योंकि जाते समय हमको एक्सपीरियंस मिल गया है कि कैसे हम लोग को सेला पास कवर करके जाना है, क्योंकि आने का भी वही एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो आपको उसी रास्ते आना है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कितना जल्दी निकलना और कितने देर में हम लोग वापस पहुँचेंगे, तो एक आइडिया आपको मिला रहेगा। इसलिए आप धिरांग को पार करके बोमडिला तक कवर कर सकते हैं, अगर अर्ली मॉर्निंग आप तवांग से चेकआउट कर लेते हैं तो आप अपना टारगेट डे सिक्स में नाइट में रुकने का बोमडिला रखिए और आप बोमडिला में स्टे करिए, यहाँ पे आपको हॉट वाटर फॉल भी देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं डे सेवन पे। डे सेवन में हम लोग जाएंगे बोमडिला से काजीरंगा और इसी दिन हम लोग अरुणाचल का बॉर्डर क्रॉस करके पहुँचेंगे भालुकपोंग के रास्ते असम में। भालुकपोंग का कुछ पार्ट जो है वो अरुणाचल में और कुछ पार्ट जो है वो असम में है। अरुणाचल में जो फ्यूल का प्राइस है, पेट्रोल का प्राइस है, वो 4 रुपये सस्ता है असम से, तो जो बॉर्डर साइड के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बाइक लेके जाते हैं, पेट्रोल टैंक फुल करवाते हैं अरुणाचल में और फिर अपना वापस जो है वो असम में आ जाते हैं। जब आप भालुकपोंग से आगे बढ़ेंगे तो रिजर्व एरिया मिलेगा, खूबसूरत आपको
नदी मिलेगी, और काजीरंगा का जब एरिया आप एंट्री करते हो तो आपको खूबसूरत टी गार्डन मिलता है। और काजीरंगा नेशनल पार्क में एंट्री करते समय ही आपको रोड साइड से ही सिंगल हॉर्न राइनो, जिसके लिए काजीरंगा फेमस है, वो दिख जाते हैं, डियर दिख जाते हैं, और काफ़ी सारे आपको एनिमल और बर्ड दिख जाते हैं। तो इस तरह आप जो है घूमते घूमते, और ये जो रास्ता आप कवर करेंगे वो एक बड़ी सिटी तेजपुर होते हुए कवर करेंगे। तेजपुर को अग्निगढ़ भी कहते हैं। अग्निगढ़ क्यों कहते हैं, मेरा पूरा का पूरा वीडियो जो है वो जाके चेकआउट करिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप उस पूरा वीडियो देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि भाई तेजपुर को क्यों अग्निगढ़ कहते हैं, उसकी हिस्ट्री बहुत अनोखी है। तो आप काजीरंगा पहुँचिए, रेस्ट करिए, और जिस होटल में आप रुकिए वहीं से आप जो है काजीरंगा की जो सफारी है, जीप सफारी, उसकी बुक कर लीजिए, क्योंकि हर होटल में कनेक्ट होते हैं वो जीप सफारी के लिए, तो वो आप बुक कर लीजिए। आपका 2,500 कॉस्ट आएगा दो बंदों का, और प्लस टिकट का जो कॉस्ट है वो अलग से, तो मतलब 1,500 पर हेड जो है, अगर दो बंदे हैं तो आपका कॉस्ट पड़ेगा। आते हैं डे 8 पे। डे 8 हमको अर्ली मॉर्निंग उठना है और काजीरंगा जो है एक्सप्लोर करना है, काजीरंगा नेशनल पार्क एक्सप्लोर करना है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो फेमस है सिंगल हार राइनो के लिए, एशियन एलिफेंट के लिए, और ये पूरा का पूरा पार्क काफ़ी बड़े एरिए में फैला हुआ है। 1,090 स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता था, आपको ये समझ लो कि 30 किलोमीटर चौड़ा, 30 किलोमीटर लंबा, 35-33 ऐसे किलोमीटर चौड़ा लंबा, मतलब एक प्रॉपर जो सिटी होती है उतना बड़ा एरिया में ये काजीरंगा नेशनल पार्क फैला हुआ है। और जब आप नेशनल पार्क में एंट्री करेंगे तो आप बहुत ईजिली जो है यहाँ पर बहुत सारे टाइप के बर्ड्स और एनिमल देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया वो था सिंगल हॉर राइनो, और कांतारा मूवी में जो पिक थी ना वो सेम वैसा का वैसा जंगली जो है वो वहाँ पे सुअर देखने को मिला। मतलब वो देखने के बाद वो फ्लैक्स बैग में माइंड चल जाता है, जैसे कांतारा में जैसे वो पिक खड़ा था वैसा लगता है अपने दिमाग में। तो इस तरह अर्ली मॉर्निंग आप एक्सप्लोर करिए काजीरंगा नेशनल पार्क, और कोशिश करिए 10 बजे तक आप पैकअप कर लें, नेशनल पार्क घूम लें, और क्योंकि आपको 10 बजे के बाद निकलना है आगे शिलोंग के लिए। तो आज ही के दिन 190 किलोमीटर जो काजीरंगा से डिस्टेंस है शिलोंग का वो कवर करना है। रोड बटर स्मूथ है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। पूरे के पूरे ट्रिप में जो सबसे बेहतरीन रोड मिलेगा वो काजीरंगा से शिलोंग वाला रोड मिलेगा। शिलोंग कैपिटल है मेघालय का, तो यानी आज आप असम से मेघालय में एंट्री करोगे, और काफ़ी भीड़ भाड़ मिलेगी जैसे आप शिलोंग में एंट्री करोगे। और एंट्री करते समय आपको वाट्स लेक मिलेगी, जो एक समय में दुनिया की सबसे बड़ी जो है मैन मेड लेक थी, तो जो काफ़ी खूबसूरत है, वो भी आप जरूर देखिएगा, देखना मत भूलिएगा। अब आते हैं डे 9 में। डे 9 में आपको शिलोंग से जाना है चेरापूंजी। 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन इस रास्ते में आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है। जैसे इस रास्ते में आपको डॉकी रिवर एक्सप्लोर करना है। जैसे आप 40 किलोमीटर के आसपास क्रॉस करेंगे शिलोंग से, तो वहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है डॉकी की तरफ, और डॉकी रिवर एक्सप्लोर करिए, जो इंडिया की क्लीनेस्ट रिवर है, वहाँ बोटिंग करिए, उसको एक्सप्लोर करिए। वहाँ से आप बांग्लादेश बॉर्डर भी जा सकते हैं, और लीगल तरीके से आप चाहें तो बांग्लादेश बॉर्डर में भी आप एंट्री कर सकते हैं। डॉकी रिवर का कुछ पार्ट बांग्लादेश में और कुछ पार्ट जो है वो इंडिया में है, और काफ़ी सारे टूरिस्ट जो है बांग्लादेश के साइड से भी आते हैं और इंडिया के साइड से भी आते हैं। इसके अलावा जैसे वाटरफॉल के लिए चेरापूंजी काफ़ी फेमस है, तो आप चेरापूंजी में बहुत सारे वाटरफॉल देख सकते हैं, जिसमें एलिफेंट वाटरफॉल काफ़ी फेमस है, उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा लिविंग रूट ब्रिज जो है, पेड़ों की टहनियों से जो ब्रिज एक बना हुआ है, वो आपको देखने को मिलेगा। पूरे दिन में ये आसानी से आप कवर कर सकते हैं अगर आप बाइक से हैं। अगर कुछ आप नहीं कर पाए हैं तो डे 10 में मॉर्निंग टाइम में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि डे 10 में हम लोग को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर करना है। डे 10 में हम लोग को आना है मेघालय से गुवाहाटी, जो 160 किलोमीटर की राइड है। रोड बहुत अच्छा है, आप 5 से 6 घंटे में इसको कवर कर सकते हैं। तो आप चाहें तो आप मॉर्निंग में चेरापूंजी में और भी टाइम दे के, और उसके बाद आप गुवाहाटी के लिए निकल जाओ, और फिर गुवाहाटी से जो भी आप बाई एयर, बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन, जो भी आपका तरीका है जाने का, वहाँ आप जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो 10 दिन की एटेंडी है, अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो इससे बेहतर तरीके से आप तीनों स्टेट को कवर नहीं कर सकते हैं। इतने कम टाइम में बहुत कुछ आपको एक्सप्लोर करने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं ऐसा वीडियो आपके लिए और लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू।